नमस्कार। पिछले अध्याय तक हमने बात कर ली थी कि किस तरह अनविन पिक को अपनी बेटी मैर्सेला को बनवाना था रानी एगोन थर्ड की, परंतु बीच में एंट्री हो जाती है लेडी बेला और रेना की। वो अपने साथ में एक और लेडी को लेकर आ जाती है जो हाउस वेलेरियन की होती है, उसको बना दिया जाता है एगोन थर्ड की रानी। इसके बाद में अनविन पिक थोड़ा सा गुस्सा तो होता है कि ऐसे हर किसी से शादी नहीं करवानी चाहिए, परंतु बाकी सारे काउंसिल मेंबर्स उसकी साइड लेते नहीं है और बोलते हैं कि ये पूरा एक स्वयंवर हुआ था तो इसी के अनुसार चलेगा। तो बस कहानी यहाँ तक थी। इसके अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है अंडर द रिएजेंट द वॉयज ऑफ एलन ओकनफिस्ट। एलन ओकनफिस्ट की समुद्री जर्नी को शुरू करें उससे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इसके बारे में हमारे पास में सोर्सेज कहाँ से आते हैं। एक बंदा है जिसका नाम है मास्टर बेंडामर, जो पूरे छह बार समंदर पर गया था। उसने जो लिखा है उसको सबसे ज्यादा कम्प्लीट और सही माना जाता है। इसके अलावा कुछ और लोगों ने भी एलन के लाइफ के बारे में लिखा है, जिनमें से एक बंदा है सर रसल स्टिलमैन। ये वही बंदा है जो एलन के साथ में समुद्री जंगों पर गया था जहाजी भेड़ों के साथ में। वैसे तो ये बंदा असल में एलन का एक स्क्वायर था जो हमेशा उसके साथ में रहता था, तो शायद इसके सोर्सेस सही भी हो। ये उसके बाद में इसको नाइट भी बना दिया एलन ने, लेकिन उसके बाद में एक वॉर के अंदर जो फिफ्थ वॉर थी उसके अंदर इसका पैर टूट गया। एक और बंदी है जिसका नाम है रूई, उसने भी एलन के बारे में लिखा है, परंतु वो कोई सेप्टा थी या फिर एलन की पसंदीदा औरत इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता। पर अच्छी बात यह है कि उसने एलन के बारे में कुछ लिखा तो है, उसी की वजह से हमारे पास में ये पूरा अकाउंट आता है कि किस तरह एलन एक वॉर पे गया था। किंग्स लैंडिंग के अंदर जब ये स्वयंवर हुआ था उसकी शुरुआत से कुछ समय पहले ही एलन अपने घर यानी कि ड्रिफ्टमार्ट से निकल गया था। अपने सारे शिप्स को लेकर इस मिशन के लिए वो निकल चुका था। इस बार वो पिछली बार की तुलना में हर एक कदम फूक फूक के चल रहा था, और इसने इस बारे में काफ़ी कुछ स्टडी भी की और कुछ जासूसों को लगा दिया जो फ्री सिटीज़ में जाए और पता करे कि कौन सी सिटी का किसके साथ में ज़्यादा अलायंस चल रहा है। जब इसके सारे वॉरशिप्स आगे की तरफ बढ़ते थे तो ये कुछ उनके भी आगे फिशिंग बोट्स को भेज देता था और कुछ मर्चेंटमैन के छोटे मोटे शिप्स को, जिससे कि पता चले आगे क्या सिचुएशन है। ये छोटे शिप्स फिशरमैन के शिप, ये एक स्काउट की तरह होते थे वहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है ये बताने के लिए। अब इन्हें जिस रास्ते में जाना था उस रास्ते में आता है रेकेलियो डेंडोन और यहाँ के इनके स्टेपस्टोन्स। अभी पूरा ब्लड स्टोन और इसके आसपास के जितने भी छोटे बड़े आइलैंड होते हैं वो वापस रेकेलियो डेंडोन ने कब्जा लिए होते हैं। ये बंदा मतलब शांति नहीं हो रहा है स्टोरी में, इसको हरा दो कुछ भी कर दो ये वापस आ जाता है यहाँ पे। इसके पास में इसके खुद के कुछ ज़्यादा लोग तो होते नहीं है, लेकिन पेंटोसिस वेलसोर्ट्स हायर कर रखे होते हैं एर्केनो टेरोस ने, और वो यहाँ के आसपास के छोटे मोटे आइलैंड्स के ऊपर होते हैं। यहाँ का जो स्टेपस्टोन्स का जो पूरा रास्ता है, यहाँ पर तुम्हें पता हो तो बहुत बड़े बड़े आइलैंड है। इन आइलैंड्स के बीच में जो जगह होती है वो अभी क्लोज्ड होती है, क्योंकि पिछली बार जो वॉर हुई थी ब्रावोस की शिप इसी एलन ओकनफिस्ट ने डुबाए थे, उस टाइम पर जो उनके हल होते हैं टूटे फूटे लकड़ियाँ होती है उसकी वजह से वो सारे क्लोज्ड होते हैं। तो ले दे के कोई एक ही खुला हुआ होता है वाटरवे जहाँ से शिप्स निकल सकते हैं, और वो अभी रेकेलियो डेंडोन के फुल्ली कब्जे में होता है। तो यहाँ पर एलन ओकनफिस्ट के सामने बिल्कुल क्लियर सिचुएशन होती है, या तो उससे लड़ाई करें या फिर उससे बात करके यहाँ से निकल जाए। और तुम्हें लगता है वो सच में एलन को ऐसे शांति से जाने देगा, क्योंकि पिछली बार एलन उसी को और उसी के लोगों को तो मारने के लिए आया था। कहानी को आगे की तरफ बढ़ाए उससे पहले हम समझते हैं कि ये रेकेलियो डेंडोन आखिर ये बंदा है कौन। ज़्यादा कुछ बातें वेस्टोस के अंदर तो हमें इसके बारे में नहीं पता चलती है, लेकिन फ्री सिटीज जहाँ पर ये रहता था, जहाँ से इसकी ओरिजिन है टायरोश, वहाँ पर लोगों को इसके बारे में पढ़ाया जाता है। बच्चों को अपने स्कूल में इसकी स्टोरी सुनाई जाती है, और लोग भी सारे के सारे लोग इसकी वाहवाही करते हैं, इसके बारे में बातें करते हैं। तो इसका जो कैरेक्टर इसके खुद की सिटी के अंदर है वो बहुत बड़ा है। हमें इसके बचपन के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी तो नहीं मिलती है, और जो मिली भी वो भी थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी और फॉल्स है। लेकिन इसकी साइज़ के बारे में बात करो तो लगभग 6 फीट ऊँचा या फिर उससे भी ऊँचा एक जायंट की तरह बड़ा सा आदमी होता है, जिसको पूरी 12 भाषाएं बोलने को आती है। वेलेरियन तक इसको बोलने को आती है, तो इससे अपन अंदाजा लगा सकते शायद ये किसी बड़े घराने से बिलोंग करता हो। लेकिन इसके जो बोलने का टोन है वो बहुत ख़राब है, ये हमेशा गालियां देता रहता है, तो हो सकता है ये कोई छोटा मोटा बंदा ही है। जैसे कि बाकी सारे टायरोशी लोग अपने हेयर्स और अपनी डैडी को फैशन के अंदर कलर्ड करवा देते, वैसे ये भी बंदा करवाता है, लेकिन इसका कलर थोड़ा अलग है जो कि पर्पल कलर है, जो हिंट देता है शायद ये ब्रावोस से भी कुछ कनेक्टेड हो। इसके लंबे लंबे कर्ली पर्पल हेयर्स होते हैं और उनके ऊपर कुछ ऑरेंज कलर भी होता है। लोग कहते हैं इसको पसंद है लेवेंडर्स और रोज वाटर, उन्हीं के अंदर ये नहाता है। मतलब चॉइस देख रहे हो भाई कि इतना लंबा चौड़ा शरीर है लेकिन नहाना लड़कियों वाले साबुन से ही है। ये बंदा भी एक एम्बिशियस बंदा है जिसको जीवन में बहुत कुछ पाने की इच्छा है। ये बहुत ज़्यादा दारू पीता है, और जब फाइट होती है तब भी दारू पिया जाता है। एक वॉर में डेमन की तरह दिखता है, क्योंकि पहले से इतनी बड़ी हाइट है इसकी, तो किसी को भी दो टुकड़ों में काट डाले।
हमेशा ही अपने साथ में एक तलवार रखता है जो काफ़ी बड़ी है। कभी कभी तो ये वॉर के अंदर दो तलवारें एक साथ में लेके चला जाता है। ये किल गोड्स के बारे में मानता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सारे गोड्स को रेस्पेक्ट करता है। जब भी ये कहीं पे डायलेमा में ऐसे फंस जाता है कि मैं किस सिचुएशन को प्रेफर करूँ, तब ये क्या करता है कि कुछ बोन्स को अपने साथ में रखता है, जिनको जैसे मामा शकुनी नहीं फेंकता था वैसे फेंकता था। उससे इसको पता चलता है कि कौन सा रास्ता इसको अपनाना चाहिए। वैसे तो ये टायरो सिटी से है जहाँ पर कि स्लेवरी बहुत कॉमन है, लेकिन इसको स्लेवरी नहीं पसंद है। जब ये बहुत पैसे वाला हो गया तो उसके बाद में इसको कोई भी स्लेव गर्ल दिखती थी जो इसको थोड़ी पसंद आ जाती थी, तो ये उसको पैसे देके उसको छुड़वा देता था, बस उसके सिर पे किस कर देता था और उसको फ्री करवा देता था। अपने लोगों के साथ में भी ये बहुत अच्छे से बिहेव करता था। जो भी ये जीतता वीतता था उसके बाद में अपने लोगों में वो सारी चीज़ें बांट देता था। फालतू की मुँहमारी नहीं करता था कि मैं ही राजा हूँ, सब चीज़ें मुझे ही मिलनी चाहिए। तो ऐसे इसका नेचर बहुत ही ओपन है। टायरोश में ये जब भी किसी बेगर को देखता था उसकी तरफ इसका ध्यान आ जाता तो ये उसको गोल्ड वोल्ड दे देता था। इसके अलावा इसकी कोई प्रशंसा कर देवे, इसकी कोई तारीफ कर देवे तो उसके बाद में इसने जो बूट्स पहन रखे या फिर बेशकमती इसने कोई अंगूठी पहन रखी, यहाँ तक कि ये अपनी खुद की वाइफ को भी उसको दे देता है। मतलब कि कुछ अलग ही टाइप का बंदा है ये। इसके वाइफ्स के बारे में बात करें तो लगभग 12 इसके वाइफ्स थी। उनको ये कभी पीटता तो नहीं था, लेकिन उन्हें बोलता था कि मुझे पीटो। मतलब अलग ही बंदा है ये। उसके बाद में इसको कैट्स भी पसंद नहीं है, लेकिन इसको प्रेग्नेंट वुमेन पसंद थी। बच्चे भी ज़्यादा पसंद नहीं है। बहुत बार ये क्या करता था कि वुमेन्स के कपड़े पहन लेता था और खुद एक वुमन बनने की या फिर यूं बोलो वेश्या बनने की एक्टिंग करता था, जो कि इसके ऊपर बहुत ही बकवास दिखती है, लेकिन फिर भी ये अपनी मनमर्जियां करता था। कभी कभी ये लड़ते लड़ते वॉर के अंदर ही बहुत ज़्यादा जोर से हंसने लग जाता था, या फिर कभी कभी एक बकवास से गाने गाने शुरू कर देता था, जिनको सुनकर इसके टीम वाले तो क्या सामने के सारे विपक्षी भी इससे परेशान हो जाए। इन शॉर्ट में कहा जाए तो रेकेलियो रेंडोन ये एक पायरेट से ज़्यादा एक पागल आदमी था, लेकिन इसके सारे लोग इसको पसंद करते हैं, इसके लिए लड़ते हैं, इसके लिए मरते हैं और किसी राजा की तरह इसको ट्रीट करते हैं। अब वापस कहानी में आ जाते हैं। एलन वलरन पहुंच गया स्टेपस्टोन्स के वहां पर और उसको वहां से पास करना है, तो इस रेकेलियो रेंडोन के साथ में या तो बात करनी पड़ेगी या फिर इसको हराना पड़ेगा। रेकेलियो रेंडोन के पास में अभी भी काफ़ी एक अच्छी खासी सेना होती है और बाकी सारे फ्री सिटीज भी तो इसके साथ में होती है। तो एलन वलरन भले ही इसको हरा तो सकता है, लेकिन उसको हराने के चक्कर में लगभग एलन वलरन के आधे शिप्स और आधे लोग मर जाएंगे। मतलब कि बैटल तो ये बंदा भी देगा। और एलन को इसका ज़्यादा डर नहीं है, एलन को डर है रेड क्रेकन का, क्योंकि उसको हराने के लिए एलन को अपनी पूरी की पूरी फोर्स को लेके जाना है। अगर आधी यहीं पे ख़त्म हो गई तो वहाँ पे जाके कैसे लड़ेगा। तो यही सब कुछ सोचते हुए एलन वलेरन अपना लेडी बेला वो वाला शिप नहीं है उसको लेकर अलग हो जाता है फ्लीट से और ब्लडस्टोन की तरफ आ जाता है, पीस के झंडे को दिखाते हुए कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ रेकेलियो रेंडोन, आपके वाटर्स से चुपचाप निकल जाऊँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। अब ऐसे करते हुए एलन वलरन पहुंच जाता है रेकेलियो रेंडोन के घर पे। रेकेलियो रेंडोन जहाँ पर रह रहा होता है ब्लड मून, वहाँ पर इसने एक वुडन फोर्ट्रेस बना रखा होता है, यानी कि एक लकड़ी का टेम्प्रेरी किला। वहाँ पर पहुंच जाता है एलन वलरन एक पीस के झंडे के साथ में। इतिहास में हमें सोर्सेस कहते हैं लगभग 15 दिनों तक एलन वलरन को इसने यहाँ पर रखा था। इस बारे में हमें ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन एक चीज़ फिक्स है, रेकेलियो रेंडोन का नेचर बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग था। कभी भी इसका मूड कभी भी कुछ भी हो जाता था, किसी सी की तरह, जैसे कि सी में कभी तूफान आ जाता है तो कभी शांत हो जाता है, उसी तरह। फर्स्ट दिन तो रेकेलियो रेंडोन ने ओकनफिस्ट को एक दोस्त की तरह माना और हमेशा उसको लेके घूमता रहा पूरे दिन तक, और बोला कि हम दोनों को साथ में रहकर टायरोश के ऊपर अटैक कर देना चाहिए और उसको लूट डालेंगे। लेकिन अगले ही दिन अपने ही दोस्त यानी कि एलन वलेरन को मारने के लिए अपनी बोन्स को फेंका, जो ये कस्टम नहीं करता था कि कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा, वो चेक करने के लिए कि एलन इससे मर जाएगा या फिर नहीं मरेगा। जबकि तीसरे ही दिन एलन को इसने चैलेंज कर दिया कि मेरे साथ में ये जो मेरा महल है इसके पीछे एक अखाड़ा है, वहाँ पर मेरे साथ में लड़ो। इनको लगभग हजारों पायरेट्स ने यहाँ पर देखा था लड़ते हुए, पर कौन जीता उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ऑफकोर्स रेकेलियो रेंडोन जीत गया होगा, वो कितना बड़ा सा बंदा है। नेक्स्ट दिन ही रेकेलियो रेंडोन अपने ही एक बंदे की गर्दन उड़ा देता है, यूं बोलकर कि ये इनके ऊपर स्पाई कर रहा था टायरोशी की तरफ से। उसको मारने के बाद में उसका गर्दन लेके आ जाता है ये एलन के पास में और दिखाता है, ये आपके लिए मेरा एक फ्रेंडशिप का टोकन है। लेकिन अगले ही दिन इसका कैरेक्टर वापस से बदल जाता है, ये बोलता है कि लॉर्ड एलन वलेरियन आप ही उनसे मिले हुए हो आर्गन से, अगर आप प्रूव करना चाहते हो आप उनसे नहीं मिले हुए तो आप इन तीनों टायरोशी प्रिजनर्स को मार डालो। तो न चाहते हुए भी एलन को उन तीनों प्रिजनर्स को मारना पड़ता है। रसेलियो इससे कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है, वो अपनी दो वाइफ्स को भेज देता है एलन के पास में रात को सोने के लिए और कहता है गिव देम सन्स। वो कमांड करता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे भी तुम्हारी तरह ब्रेव और स्ट्रॉन्ग हो। अब यहाँ पर भी हमारे सोर्सेज थोड़े से फ्लक्चुएट होते हैं कि ये एक शर्त ही थी या फिर सच में कुछ हुआ था।
पर जो कुछ भी हो आखिरकार 15 दिन बीत जाते हैं और उसके बाद में रकेल और एंडोन एलन और इसकी सारी फ्लिट्स को यहाँ पर पास होने देता है। लेकिन बस ऐसे ही नहीं, इसके लिए भी कुछ डील्स होती है जो ब्लड और किसेस के थ्रू होते हैं। एलन ओकनफिस्ट को उसको पूरे 3 शिप्स देने पड़ते हैं ये प्रूव करने के लिए कि अब हम दोनों दोस्त हैं। अब एलन यहाँ पर थोड़ा ज्यादा चतुराई दिखाते हुए अपने फ्लिट्स के जो सबसे बकवास वाले 3 शिप्स होते हैं वो इसको पकड़ा देता है। और किसकी बात हुई तो ये यहाँ पर इसको इनवाइट करता है कि तुम मेरे घर ड्रिफ्ट मार्क पर आना और वहाँ पर तुम्हें लेडी बेला एक किस देगी। ऐसे करते हुए एलन और इसकी सारी फ्लिट्स यहाँ पर स्टेप स्टोन से पार होती है। स्टेप स्टोन को पार करने के बाद में अब जो एलन रवाना होता है उसकी अगली तरफ आता है डोर्न। वहाँ के सारे डोर्निशमैन अभी भी राजा के कंट्रोल में नहीं है और वो पूरा एक अलग किंगडम है। वहाँ पर वो सारे लोग देखते हैं कि जब एक बड़ी सी वलेरियन फ्लिट्स इनके पास में सनस्पेयर के पास में पानी में आ जाती है तो वो सब थोड़े डर जाते हैं और उनके पास में अभी इतनी पावर या उनके पास में फ्लिट्स नहीं होती है कि इन वलेरियन वालों के साथ में भिड़ सके। तो वहाँ की जो प्रिंसेस होती है, डोर्न के अंदर राजा रानी नहीं कहा जाता है, प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। तो जो प्रिंसेस होती है जिसका नाम होता है एलिंडा मार्टेल, जो अभी अभी 18 साल की हुई होती है और वहाँ के लोग उसको न्यू नाइमीरिया तक बोल रहे होते हैं, वो देखती है कि इनसे लड़ा तो जा नहीं सकता है तो क्यों नहीं जाके इनका थोड़ा सा स्वागत कर दिया जाए। तो वो समुद्री तट के ऊपर अपने 12 लोगों के साथ में जाकर वहाँ पर उनका स्वागत करती है और बोलती है कि यहाँ पर आओ। प्रिंसेस भी उनका स्वागत करने में इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही होती है क्योंकि अभी अभी एलन ने बहुत बड़ा काम कर दिया है, ब्रावोसियों को हरा दिया है, उनके शिप्स को तबाह कर दिया है और डोन से ज़्यादा दूर नहीं बस यहीं पे पास में स्टेप स्टोन्स के अंदर किया था। एलन दिखने में काफ़ी यंग हैंडसम हीरो है तो ये सब चीज़ें शायद उसको अट्रैक्ट कर रही हो। यहाँ पर लॉर्ड एलन बोलते हैं कि मुझे मेरे शिप्स और बाकी सारे क्रू के लिए पानी की ज़रूरत है और खाने की, तो एलिंडा ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करती है। परंतु सारे डोर्निश लोग इस प्रिंसेस के ये सारे कामों से खुश नहीं होते हैं। जैसे कि इसके कुछ सिबलिंग्स होते हैं जिनका नाम होता है क्वेल और कोरियन है, वो बोलते हैं कि एलन को इतने भाव देने की क्यों ज़रूरत है, इसको जल्दी से यहाँ से भगाओ। परंतु फिर भी ओकनफिस्ट को बहुत सारे केक्स, खाना पानी, रसद सामग्री सारी यहाँ से मिल जाती है जिससे कि वो आराम से ओल्ड टाउन या फिर आर्बर तक पहुँच पाए। और ओल्ड टाउन तो वैसे ही ग्रीन्स वाले ही है, यानी कि वेस्टरोस का ही है, तो वहाँ पर तो इसका आराम से सारा खाना पानी मिल जाएगा। बस प्रॉब्लम थी तो डोर्न की थी, वो भी इसने पार कर दी है। डोर्निश लोगों ने तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं की लेकिन डोर्निश पानी ने प्रॉब्लम की। अब यहाँ पर समंदर के अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी विशाल लहरें आने लग जाती है और एक चक्रवात की तरह आता है। उसकी वजह से क्या होता है कि सारी ये जो फ्लिट्स होती है वो आपस में इनका कनेक्शन टूट जाता है, पानी में इधर उधर बिखर जाती है और दो तरफ डूब भी जाती है। कुछ शिप्स होती है जिनको समुद्री तट की तरफ लेके जाना पड़ता है क्योंकि उनको रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन वहाँ पर जैसे ही रात होती है कुछ समूह आ जाता है लुटेरों का, वो यहाँ पर आके सारे के सारे क्रू को मार डालता है और इनके पास में जितनी भी रसद सामग्री होती है खाने पीने की वो सारे लूट के लेके चला जाता है। इस तरीके से समंदर के अंदर कुछ एक लॉसेस तो होते हैं ओकनफिस्ट को, लेकिन जैसे तैसे करते हुए वो ओल्ड टाउन पहुँच जाता है। ओल्ड टाउन पहुँचने के बाद में उसका अच्छा खासा स्वागत होता है। वहाँ के जो ग्रेट बीकन होते हैं, यानी कि यहाँ पर नए गॉड का पुजारी, सबसे बड़ा वाला पुजारी, वो खुद आता है यहाँ पर इनके स्वागत के अंदर और लेडी बेला इसकी शिप को गाइड करता है। इसके अलावा लोयनल हाईटावर, वो भी आता है एलन के लिए और इसका वेलकम करता है हमारी सिटी के अंदर। तुम्हें याद हो तो एक बंदी थी जिसका नाम था लेडी सैम, जो कि लोयनल के साथ में रहती है। वो थोड़ी पैरामल टाइप में होती है, उसको एलन बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है। तो उससे लॉर्ड लायनल हाईटावर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि किस तरह मेरा पैरामर को इतने अच्छे तरीके से कोई ट्रीट कर रहा है। तो इन दोनों के अंदर बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब अगर तुम्हें याद हो तो 2 साल पहले ये दोनों हाउसेज एक दूसरे को बिल्कुल मारने के लिए खून के प्यासे थे। एक ग्रीन्स का हाउस है, एक ब्लैक्स का हाउस है, पर अब वो सारी चीज़ें भुला चुके हैं, अब ये ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। लोयनल बोलता है कि ओल्ड टाउन यहाँ पर तुम्हें पूरे 20 वॉरशिप्स को प्रोवाइड कराएगा और बोलता है कि मेरा यहाँ पे पास में एक अच्छा खासा दोस्त है जिसका नाम है लॉर्ड रेडवेन ऑफ आर्बर, वो तुम्हें 30 और छोटे मोटे शिप्स को प्रोवाइड करेगा। कुल मिलाकर तुम्हारे वलेरियन स्क्वाड्रन के अंदर बहुत सारे शिप्स ऐड होने वाले हैं और तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, आराम से रेड क्रेकन को एक बहुत तगड़ी वाली टक्कर देने वाले हो। लॉर्ड रेडवेन जो कि पास ही आर्बर के हैं, वो भी पूरी 30 शिप को देने वाले थे इस बंदे को। तो ये बंदा यहीं पे ओल्ड टाउन में रह के थोड़े दिन वेट करता है कि जब तक उसकी तैयार हो जाएगी उसके बाद में मैं यहाँ से वहाँ पर चला जाऊँगा। तब तक क्या करता है कि लॉर्ड एलन यानी कि ओकनफिस्ट यहीं पे इनके खाने पानी के मजे उड़ाता है और सिटाडेल्स के अंदर बार बार जाता है। सिटाडेल्स में बिल्कुल धूल पड़ी हुई किताबों को ये खोलता है क्योंकि सारी परमिशंस तो इसकी होती है, बहुत बड़ा लॉर्ड है। और यहाँ का जो स्टार रिसेप्ट होता है नए भगवान, वहाँ का जो हाई सेप्टन होता है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी कोशिशें करता है। जैसे कि एक ऑयल के अंदर एक सिंबल लेके आता है, इसको लगाता है और बोलता है कि और कहता है कि वॉरियर तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो, और कहता है आयरन बोन और उनके डूबे हुए भगवान को तुम असल में डुबा दोगे।
यहाँ पर सिटाडेल में ये बहुत पुरानी पुरानी किताबों को खोलता है जिनके ऊपर धूल जमी हुई होती है। उन किताबों के अंदर लिखा हुआ होता है कि वलेरियन लोग और टारगेरियन लोग किस तरह समंदर के अंदर लड़ते थे, उनकी टैक्टिक्स आखिर क्या क्या होती थी। तो उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में ये स्टडी कर रहा होता है। ऐसे करते करते कुछ समय बीतता है। उसके बाद में इसके पास में खबर आती है कि लेडी जहरा टारगेरियन की डेथ हो चुकी है। उसके बाद में जो यहाँ से तुम्हें पता हो तो लेडी सैम ने बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, अगर तुम्हें याद हो तो पिछले वाले सैमवर वाले में, कि मेरे इससे शादी कर दो, उससे शादी कर दो। तो कहा जाता है कि शायद इसने ही उसको प्रेरित किया होगा लिखने के लिए और कुछ अपने आइडिया दिए होंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ कन्फर्म नहीं है। परंतु एक चीज़ बिल्कुल कन्फर्म है कि इसने यहाँ से अपनी लेडी वाइफ बेला को यहाँ से एक जरूर लेटर भेजा ड्रिफ्ट मार्क, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा हुआ है जो हमें पता नहीं है। अब ऐसे यहाँ पर वेट करते हुए कि कब तक आर्बर के शिप्स तैयार होंगे, ऐसे करते हुए एलन को काफ़ी टाइम हो जाता है। और तुम्हें पता है एलन अभी अभी एक वॉर जीता था ब्रावोस के खिलाफ। उसके बाद में ये एक यंग बंदा है, यंग बंदों के अंदर पेशेंस नहीं होता है। तो फाइनली ये डिसाइड करता है कि उनके बलि शिप्स आए नहीं आए, मेरे पास में जितने भी अभी शिप्स हैं उनको लेकर मैं अटैक करने के लिए जा रहा हूँ। अब इसका पूरा कन्फर्म हो जाता है तो ओल्ड टाउन के सारे लोग भी इसके लिए चीयर करते हैं और इसका हौसला बुलंद करने की कोशिश करते हैं, अच्छी खासी बाय बाय करते हैं। उसके बाद में ये अपने सारे शिप्स को लेकर यहाँ से रवाना होता है। वलेरियन फ्लीट्स के पीछे ही पूरे 20 बड़े बड़े वॉरशिप्स चल रहे होते हैं हाइट टावर्स के, जिनको कमांड कर रहा होता है सर लियो कोस्टेन है, जिसको लोग प्यार से सी लायन भी कहते हैं। ऐसे करते हुए ये ओल्ड टाउन से रवाना हो जाता है नॉर्थ की तरफ, क्योंकि अगर तुम मैप के अंदर देखो तो ग्रेजो अब यहाँ से नॉर्थ की तरफ है। ये आगे की तरफ बढ़ता है और बीच में आते हैं शील्ड आइलैंड्स। वैसे तो लॉर्ड वलेरियन वेस्टरोस के काम और राजा के काम के लिए जा रहा है, तो पूरा वेस्टरोस इसके साथ में होता है। ग्रे शील्ड से 3 ships आते हैं, साउथ शील्ड से 3 ships, ग्रीन शील्ड से 4 ships और ओकन शील्ड से 6 ships। मतलब कि ये सारे जो शील्ड आइलैंड से यहाँ से भी कुछ एक शिप्स इसको मिल जाते हैं। ये ज़्यादा नॉर्थ की तरफ और रेड क्रैकन तक पहुँच पाता है, उससे पहले ही बीच में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और उसकी वजह से इसका वापस एक और शिप डूब जाता है और 3 ships तो बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो जाते हैं, जिनको आगे की तरफ नहीं ले जा सकते हैं। अब ऐसे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही होती है तो वापस अपने सारे शिप्स को ग्रुप करने के लिए ये क्रैकन हेल के वहाँ पर रुकता है। क्रैकन हेल के एक लेडी होती है, वो यहाँ पर आती है, इससे मिलती है, इससे बातें करती है और यहीं पे लॉर्ड एलन वेलरन को पता चलता है कि अब वेस्टरोस के अंदर रानी का चुनाव मेडन्स डे पर एक सैमवर के थ्रू होगा। मतलब कि पिछला वाला तुमने चैप्टर सुना उससे ये थोड़ा सा पीछे की स्टोरी चल रही है। अब पिछली बार तो एलन ने जैसे तैसे भी करके ब्रावोस को हरा दिया था एक सरप्राइज अटैक के साथ में, लेकिन इस बार उसको पूरा पार करना था वेस्टरोस को और जाना था डेल्टन ग्रेजोय के पास में। डेल्टन ग्रेजोय के पास में वो पहुंच पाता उससे पहले ही इसकी न्यूज़ उसके पास में पहुंच जाती है और वो इसको लेकर पहले से ही अलर्ट पे हो जाता है। इधर एलन को भी मेडन्स डे होने वाला है किंग्स लैंडिंग में, इसकी न्यूज़ यहाँ पर मिलती है, तो उधर डेल्टन ग्रेजोय को भी मिलती है। अब वो वैसे राजा की बातें तो कोई मान नहीं रहा है, फिर भी अपनी बहन को भेजता है इस स्वयंवर के लिए, क्योंकि उसका कहना होता है आयरन थ्रोन पर बैठने के लिए सबसे बढ़िया क्वीन कौन रहेगी जो आयरन की बनी हुई होगी। और अगर तुम्हें पता हो तो ग्रेजोय अपने आप को आयरन बोर्न बोलते हैं। इस वजह से एक तरफ तो अपनी बहन को स्वयंवर में भेजने के बाद में, दूसरी तरफ एलन वलेरियन से लड़ने के लिए ये अपने सारे कमांडर्स को मैसेज करता है और उनकी सारी बड़ी बड़ी फ्लीट्स को इकट्ठा करने के लिए, यूँ कि हम पूरा सा एक बंच में उनके साथ में अटैक करेंगे, हमारे पास में क्या स्ट्रेटजी है, ये इन सब चीज़ों की तैयारी शुरू कर देता है। जब भी इसकी कोई रणनीतियों की सभाएं होती थी तो उसके अंदर ये एलन वलेरियन को बॉय कहता था। इसके लिए अभी भी वो एक छोटा सा लड़का है जो जैसे तैसे ब्रावोस से तो जीत गया था, लेकिन अब मेरे से नहीं जीत सकता। ये कहता है कि उसको जिस किसी ने भी सपोर्ट किया है, ओल्ड टाउन, सनस्पियर, उन सबको हम पानी में डुबा डालेंगे, हमारे ड्रोन कोर्ट के पास में उनको भेज देंगे। वैसे तो एलन वलेरियन को ये भले लिटिल बॉय बोले, लेकिन असल में ये 3-4 साल से ज़्यादा उससे बड़ा भी नहीं है। ये कहता है एलन को मारने और उसकी सारे फ्लिट्स को पानी में डुबा दूंगा, इसके अलावा वो सारी सिटीज़ जिन्होंने इसकी मदद की थी उन सबको मैं तहस नहस कर दूंगा। इसके बाद में मैं जाऊँगा लेडी बेला के पास में और उसको मैं अपनी साल्ट वाइफ बना दूंगा। वैसे तो मेरे पास में अभी भी 21 साल्ट वाइफ्स है, लेकिन कोई भी एक सिल्वर हेयर्स वाली नहीं है। तो यहाँ पर गोल्डन हेयर्स का मतलब है कि लेनिस्टर्स वुमेन्स इसके पास में खूब सारी है, लेकिन टारगेरियन नहीं है इसलिए सिल्वर हेयर्स नहीं है। हिस्ट्री हमें राजा महाराजों के बारे में तो बताती है, लेकिन कॉमन लोगों के बारे में क्या है वो नहीं बताती। अब यहाँ पर हम लॉर्ड डेल्टन ग्रेजोय के साल्ट वाइफ्स के बारे में बात करते हैं। उनमें से 2 तो पाइक से थी जिनसे उनको बच्चे भी पैदा हुए थे, 2 लॉर्ड फारमैन की डॉटर्स भी थी। इसके अलावा एक और साल्ट वाइफ थी, वो थी एक नाइट की कास्ट की जो कि एक लेनिस्टर है, लेनिस्पोर्ट वाला लेनिस्टर नहीं, कास्टली रॉक वाला।
इसके अतिरिक्त भी जो बाकी सारे इसकी साल्ट वाइफ्स थी वो भी सारे कुछ तो अच्छे बर्थ की थी, बाकी कोई फिशरमैन मैंने टाम्स उन सब की बेटियां या उनकी पत्नियां, जिसको इसने देख लिया था वॉर के अंदर और इसका उनके ऊपर दिल आ गया तो बस उनके पति और भाई को मारने के बाद में ये अपने साथ में यहाँ पर लेके आ जाता है। इस तरह से इसके पास में लगभग 22 साल्ट वाइफ्स होती है। अब यहीं पे एक स्पेशल साल्ट वाइफ का नाम आता है जिसका नाम होता है टेस, क्योंकि इसने हिस्ट्री में ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से ये बहुत फेमस है। ये 13 या 30 साल की है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये खूबसूरत दिखती है या फिर नहीं इसके बारे में भी हमें नहीं पता है, या फिर ये लॉर्ड ग्रेजो के पास में कितने टाइम से थी ये भी चीज़ें हमें नहीं पता है। लेकिन हिस्ट्री किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जानती है तो वो है इसका नाम और इसका काम। कहा जाता है कि एलन वलरन से लड़ने के लिए ड्रेल्टन ग्रेजो ने भी अपनी फ्लिट्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया होता है और काफ़ी कुछ फ्लिट्स आ जाती है फेयर कैसल के। वहाँ पर एक बड़ा सा महल होता है जहाँ पर ये और इसकी सारी साल्ट वाइफ रह रही होती है। तो बाकी दिनों की तरह लॉर्ड डेल्टन ग्रेजो अपनी साल्ट वाइफ टेस के साथ में सोया होता है, लेकिन जैसे उसको नींद आ जाती है उसके बाद में ये औरत क्या करती है कि डेल्टन ग्रेजो की उसका एक डेगर निकालती है, बड़ी सी छुरी, जिससे रात को सोए हुए डेल्टन ग्रेजो की नींदो नींद में गर्दन काट देती है। इस तरह डेल्टन की गर्दन काटने के बाद में खुद के कपड़े सारे फेंक वेंक के नीचे की तरफ जो समंदर होता है उसके अंदर कूद जाती है, मतलब कि खुद भी सुसाइड कर देती है, उसको भी मार देती है। तो यहाँ पे डांस ऑफ ड्रैगन का बचा हुआ एक अजीब सा कैरेक्टर जिसका नाम है डेल्टन ग्रेजो, वो किसी की तलवार से या फिर एलन वेलेरियन से नहीं मरता है, वो मरता है अपने ही डेगर और अपनी पत्नी के हाथ से। अब जैसे डेल्टन ग्रेजो मरता है उसके बाद में इसका पूरा जो राजशाही चल रही होती है वो पूरी खत्म हो जाती है। इसके मरने की न्यूज़ जैसे स्प्रेड होती है बाकी सारे जो फ्लिट्स इसके कमांडर्स होते हैं वो सारे लोग यहाँ से अपने घर पर भाग के चले जाते हैं। डेल्टन ग्रेजो की असल में शादी नहीं होती है, उसके पास में साल्ट वाइफ तो 22 होती है लेकिन रॉक वाइफ नहीं होती है, इसकी वजह से इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। इसके दो ही लड़के होते हैं जो कि पाइक पे होते हैं एक साल्ट वाइफ के थ्रू, तो हो सकता था ग्रेजोस की गद्दी उनको मिल जाती लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि अभी वो काफ़ी छोटे होते हैं, केवल 6 महीने के, और उनकी जो माए होती है वो साल्ट वाइफ्स होती है तो वो कोई भी रेजेंट की तरह नहीं काम कर सकती। अगर वो रॉक वाइफ होती तो फिर भी एक बार का चल जाता। इसके अलावा डेल्टन ग्रेजो की फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत सारे कजन्स, अंकल्स, नेफ्यूज़, तो इन सब लोगों के बीच में पावर को लेकर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। सभी को लॉर्ड ऑफ ग्रेजोस बनना होता है और कुछ एक बड़े बड़े कमांडर्स जो कि सारे अपने शिप्स लेके घर पे भाग गए थे वो भी यहाँ पर वापस आते हैं कि हमें लॉर्ड बना दो। अभी जो सारा डेल्टन ग्रेजो जहाँ पर रह रहा होता है वो होता है फेयर आइल्स, और ये आइलैंड ग्रेजोस का आइलैंड नहीं है। यहाँ पर पहले कोई ओल्ड लोग थे जिनको हारने और उनको मारने के बाद में ये यहाँ पर रह रहा था। तो जैसे ही डेल्टन ग्रेजो मरता है यहाँ पे एक रेड रेबेलियन शुरू हो जाता है। ये रेबेलियन यहाँ के लोकल लोग कर रहे थे। वो क्या करते हैं कि डेल्टन ग्रेजो के जितने भी सैनिक होते इसके कमांडर्स होते उनको एक एक को पकड़ पकड़ के मार डालते हैं और उन सभी की लाशों को वहाँ पर गेट पे लटका देते हैं। पीछे की तरफ इनकी सारी जो फ्लिट्स होती है उनको भी तोड़ फोड़ कर देते हैं और इन्हें पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। फेयर आइल्स का जो पूरा आइलैंड है वहाँ से ग्रेजोस को और इनकी आर्मी को ख़त्म कर रहे होते हैं। केवल एक किला बचता है जो कि सबसे मेन वाला होता है फेयर कासल। वहाँ पर वो नहीं पहुँच पाते क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा फोर्टिफिकेशन होता है और लोग भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और एक्चुअली में जो रेड ड्रैगन के साथ में लड़ते थे वो सारे लोग इसी किले के अंदर होते हैं। यहाँ पर डेल्टन ग्रेजो के दो अच्छे खासे लड़ाके होते हैं, वो इस पूरे किले को कब्जा रखा होता है और यहाँ का ध्यान रख रहे होते हैं, किसी भी बाहर वाले रेबेलियन वाले को अंदर नहीं आने दे रहे होते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि एक ही दूसरे को मार देता है। इनके बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है एक लेडी के बारे में जो होती है लेडी फार्मेन की डॉटर जिसका नाम होता है लेसा, जो कि पहले साल्ट वाइफ से होती है डेल्टन ग्रेजो की, तो अब उसको कौन लेगा इसको लेकर। अब ये सर रेबेलियन तो यहाँ पर चल रहा होता है लेकिन एलन वर्लियन भी अपनी सारी फ्लिट्स को लेकर यहाँ पर पहुँच जाता है। वो जैसे ही यहाँ पर आके देखता है तो उसका कोई भी दुश्मन नहीं होता है, जो सारे लोग होते हैं लड़ने कटने वाले वो सारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो वो यहाँ पर फेयर आइल्स में ज़्यादा देर रुकता नहीं है, वो अपनी शिप लेडी बेला को लेकर लेनिसपोर्ट पहुँच जाता है। वहाँ पे जैसे ही पहुँचता है तो एक बहुत भारी भरकम वेलकम होता है उसका, पूरी सिटी खुश हो जाती है, सारे लोग बाहर की तरफ आ जाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। यहाँ तक कि लेडी जोना भी खुद बाहर की तरफ समुद्री तट पर आती है और उसका स्वागत करती है। लॉर्ड एलन काफ़ी दिनों की समुद्री यात्रा करके यहाँ पर पहुँचा होता है तो उसको किसी चीज़ की जल्दी नहीं होती है, बस उसको रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन यहाँ के जो लोग होते हैं लेनिस्टर्स वो चाह रहे होते हैं कि ये अपनी सारे फ्लिट्स को लेकर अटैक कर देवे रेड ड्रैगन के वहाँ पर। फिलहाल तो रेड ड्रैगन मर चुका है लेकिन उसका कोई भी सक्सेसर होगा तो वो वापस से सारे शिप्स को इकट्ठा कर देगा, और अभी भी हमारे पास में थ्रेट है कि वो लेनिसपोर्ट के ऊपर अटैक कर देवे।
एक्चुअली में प्रॉब्लम यह है कि लेनिसपोर्ट की सारी शिप्स खत्म हो चुकी है, इनके पास में सोल्जर्स तो हैं। तो लेडी जेना लेनिस्टर लॉर्ड एलन को बारंबार कह रही होती कि कैसे भी करके आप अपनी फ्लीट्स को लेकर उनके ऊपर अटैक कर दो, अगर आपके पास में सोल्जर्स कम है तो मैं सोल्जर्स और सारे स्पीयर्स प्रोवाइड कराऊंगी, मेरे पास में लोग लड़ने के लिए है लेकिन वहां पर पहुंचने का रास्ता नहीं है। इतने दिनों से डेल्टन गेजो ने जो लेनिस्टर्स के साथ में किया होता है उसकी वजह से जोना बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो इसको कहती है कि हम वहाँ पर जाके हर एक आदमी को मार डालेंगे, ग्रेजो इसका पूरा वंश खत्म कर देंगे और उसके बाद उनकी वाइफ्स और उनके बच्चों को इसके अंदर बेच देंगे, उन्हें स्लेव्स बना देंगे, पूरा का पूरा आइलैंड खत्म कर देंगे। जोना और बाकी सारे लेनिस्टर्स का ये गुस्सा बिल्कुल जायज़ था, लेकिन ओकनफिस जानता था कि ऐसा कुछ वो नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास में सामने लड़ने वाला ही कोई नहीं है। रेड क्रेकन अगर डेल्टन ग्रेजो अभी होता तो उसको जाकर ये ख़त्म कर सकता था, लेकिन वहाँ पे पहले ही सब कुछ ख़त्म हो चुका है। उन हारे हुए लोगों को उल्टा मारने से कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर काफ़ी दिन तक लेनिस्टर्स के पास में रहा तो उनका दिल रखने के लिए ये क्या करता है कि सी लायन जिसका नाम होता है लियो कोस्टाने, ये आया होता है ओल्ड टाउन से अगर तुम्हें स्टोरी में याद हो तो उसको और उसके 1/3 शिप्स को यहीं पर लेनिसपोर्ट पर छोड़ देता है। यूँ कह के कि जब तक कि लेनिस्टर्स फायरमैन और बाकी सारे यहाँ के वेस्ट के लॉर्ड से उनकी वॉरशिप्स तैयार नहीं हो जाती है तब तक कोई भी ग्रेजोस का अटैक करेगा तो उनसे लड़ने के लिए ये है, तब तक आप अपनी वॉरशिप्स को बना दो और एक बार की अगर वॉरशिप्स बन गई तो उसके बाद में तो आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है। अब इस तरीके से लेनिसपोर्ट के अंदर सारे सेटलमेंट्स करने के बाद में ये यहां से अपने घर की तरफ फाइनली रवाना हो जाता है। अब इसके घर जाने की वापस जो यात्रा थी वो काफ़ी छोटी थी। जैसे ही लेनिसपोर्ट से ये रवाना होता है थोड़ा आगे की तरफ जाता है तो सामने की तरफ से कुछ फ्लीट्स आ जाती है इसकी तरफ, और वो होती है रेडविन फ्लीट्स। अगर तुम्हें याद हो स्टोरी में तो रेडविन भी बोल रही थी कि हम हमारे फ्लीट्स को प्रोवाइड करेंगे आपको, लेकिन ये अभी तक तैयार नहीं हुई होती है। अब ये तैयार भी अब होती है जब वो वहाँ से वापस रिटर्न हो गया है, तो यहाँ पर ये बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पर जीत जिता के आ गया हूँ, अब आपकी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपके घर पर चलते हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड ऑफ आर्बर के घर पे ये जाता है, यानी कि आर्बर में जाता है और वहाँ पे गेस्ट बन के रहता है। लोग कहते हैं कि ओल्ड टाउन में जितने दिन तक ये रहा था उससे ज़्यादा दिन तक ये यहाँ पे रहा था। इसके अलावा तुम्हें स्टोरी में पता है ओल्ड टाउन से इसकी काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है लेडी सैम और लॉर्ड लायनल हाई टावर। तो ये इसके बाद में सिटाडेल जाता है और उन सब के साथ में मिलता है, उनसे बातें करता है, सिटाडेल के मास्टर्स को अपने यात्रा के बारे में बताता है कि क्या क्या चीज़ें इसने फेस की उसकी वजह से वो हिस्ट्री लिख पाए। इसके अतिरिक्त हाई सेप्टन इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होते हैं तो वापस से वो इसको ब्लेस करते हैं। आर्बर और ओल्ड टाउन में कुछ दिन रहने के बाद में ये वापस अपने समुद्री यात्रा पर निकल जाता है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट स्टॉप होता है डॉन के अंदर। पिछली बार तो कुछ समुद्री तूफान आ गए थे लेकिन इस बार नहीं आते, और जैसे तैसे ये करता हुआ प्रिंसेस एलिंडा के घर यानी कि पहुँच जाता है सनस्पियर। वहाँ पर जाने के बाद में भी एलिंडा के पास में कुछ दिनों का रेस्ट करता है। एलिंडा इससे हर एक चीज़ पूछती होती है कि तुम किस तरह से गए, किस तरह से आए, हर एक चीज़ मुझे अच्छे से सुनाओ कहानी की फॉर्म में। लेकिन जो बाकी सारे एलिंडा के कजन्स है और सिबलिंग्स है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि एलन यहाँ पर क्यों रह रहा है। यहीं पर सनस्पियर में लॉर्ड ओकनफिस को पता चलता है कि डॉन ने भी डॉटर्स के वॉर को ज्वाइन कर दिया है और एक अलायंस बन गया है लेस और टायरोश का रेकेल और रेंडोन के खिलाफ। अब तुम्हें अगर स्टोरी में थोड़ा सा पीछे का याद हो तो किंग्स लैंडिंग के अंदर जिस दिन मेडेंस डे था यानी कि वो स्वयंवर था उसी दिन यह यहाँ पर बैठा हुआ था सनस्पियर के कोर्ट के अंदर, यहीं के राज दरबार के अंदर, और यहाँ पे इसके पास में एक दूत आता है जो कि बिलोंग करता होता है लेस से। वो यहाँ पर कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, प्राइवेट स्पेस चाहिए इससे बात करने के लिए। वो दूत इतनी ज़्यादा बात को छिपाकर और इतने पास से बोल रहा होता है कि लॉर्ड एलन हंसते हुए कहता है कि कहीं वो मेरे को किस नहीं कर दे, मेरे को ऐसा लग रहा था। लेकिन ये यहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं बताता है कि उस दूत ने क्या कहा था। ये सीक्रेट ऐसा कुछ था जिसकी वजह से वेस्टरोस के जो आगे आने वाली हिस्ट्री थी वो पूरी तरीके से बदल गई। यह इंसिडेंट होने के नेक्स्ट दिन ही लॉर्ड एलन वेलर ने अपने कमांडर को दूत जैसे एलन को संदेश देता है। उसी के बाद में एलन अपने कमांडर को बोलता है कि अपने सारे फ्लीट्स को तैयार करो, और उसके बाद में ये अगले ही दिन यहाँ से निकल जाते हैं। अब वैसे तो एलन वेलरन को जाना था अपने घर की तरफ, लेकिन ये यहाँ पर लेस की तरफ मुड़ जाता है। अब हम स्टोरी में वापस से किंग्स लैंडिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा था। तो यहाँ पर एगोन थर्ड टारगेटन की शादी हो जाती है क्वीन डेनेरा वेलरन के साथ में। डेनेरा वेलरन जो पिछली रानी थी जहरा उसके कंपेयर में काफ़ी अलग थी। जहरा हमेशा नाखुश रहती थी, अपने चैम्बर्स में पड़ी रहती थी, उसके कंपेयर में ये हमेशा बोलने चहकने वाली लड़की थी। डेनेरा के लिए किंग्स लैंडिंग अभी नया था तो राजा किंग एगोन थर्ड टारगेरियन वो अपने साथ में इसको 3 बार बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं। अब ड्रैगन पिट तो नहीं ले जाता है, वहाँ पर भले ही रैना का भी ड्रैगन हो मॉर्निंग, लेकिन वहाँ नहीं ले जाता है क्योंकि तुम्हें पता है एगोन थर्ड को ड्रैगन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मशरूम भी कहता है सपर्स डिनर्स या फिर लंच कोई भी समय हो मैं हमेशा राजा रानी के साथ में रहता था और उन्हें इंटरटेन करता था।
एगोन को डेनेरा की आवाज़ किसी म्यूजिक की तरह लगती थी और वो इसकी आवाज़ को सुनकर स्माइल करता था। इवन जो मास्टर ऑफ आर्म्स था, अगर तुम्हें स्टोरी में याद हो तो वो बहुत ज़्यादा हार्शली बिहेव करता था इसकी तरफ, इसको बहुत ज़्यादा डांट देता था एगोन थर्ड को। अब एगोन तो राजा, इसको मार नहीं सकता था, इसके कप बियरर को हमेशा मारपीट करता था। उसकी वजह से एगोन परेशान होता था और उसकी वजह से एगोन के अंदर कुछ सुधार आता था। लेकिन ये कहता है अब हैंड ऑफ द किंग को कि हमें ऐसी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अब वो खुद सीखने लगा है, हमें किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको डांटने की ज़रूरत पड़ती है। वो तलवार चलाने, घुड़सवारी, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है और जल्दी से सीखता हुआ जा रहा है। इसके अलावा यंग किंग एगोन थर्ड टारगेरियन, वो इंटरेस्ट लेने लग गया था कि वर्ल्ड और इसके रियल्म के अंदर क्या चल रहा है। एगोन थर्ड काउंसिल्स को अटेंड करना शुरू कर देता है, उसकी वजह से ग्रैंड मास्टर मुंकेन और लॉर्ड मिटन, लॉर्ड रोवेन, इन सबको तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन जो किंग्सगार्ड का नाइट है मार्स्टन वाटर, उसको बहुत ज़्यादा डिसकम्फर्ट होता है और इसकी काउंसिल्स को ज्वाइन करना लॉर्ड पिक को भी पसंद नहीं आता है, जो कि हैंड ऑफ द किंग है। काउंसिल्स के अंदर जाने के बाद में एगोन केवल वहाँ पे शांति से बैठा नहीं रहता है, वो क्वेश्चंस भी पूछता है और मुंकेन को उनको आंसर देना होता है। ग्रैंड मास्टर मुंकेन हमें इस बारे में बताता है कि हैंड ऑफ द किंग इस चीज़ से खुश नहीं होता है, वो बहुत बार गुस्सा हो जाता है और इसके ऊपर डांट देता है। वो कहता है कि तुम फालतू में काउंसिल का टाइम वेस्ट कर रहे हो, अभी तुम काफ़ी छोटे हो, तुम्हारे दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आने वाली है। इसकी वजह से वापस से किंग एगोन थोड़ा सा अब्सेंट होना शुरू हो जाता है काउंसिल से, लेकिन अब इसका नेचर पुराने की तरह नहीं था। तो बस इस चैप्टर की कहानी यहीं तक थी। अब एगोन वापस से इंटरेस्ट लेने लग गया है बाकी सारी चीज़ों के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, इसकी काउंसिल्स के अंदर। तो आगे जाकर लॉर्ड पिक का क्या होगा, वो क्या हैंड ऑफ द किंग बने रहेंगे या फिर नहीं, और अचानक से लॉर्ड एकनफिस्ट लेस के अंदर क्यों चला गया है, उसको ऐसा क्या सीक्रेट मैसेज मिल गया जिसकी वजह से वहाँ पर जाना इतना ज़रूरी था। ऐसा भी हो सकता है ये अपने घर आने के बाद में जा सकता था लेकिन बीच रास्ते में चला गया अपनी सारी फ्लिट्स को लेकर। तो क्या ये वहाँ पर जाके कोई वॉर के अंदर शामिल होने वाला है या फिर नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।